हेलो दोस्तों, टेक ही देव में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपके पास रियलमी या फिर कोई और डिवाइस है जैसे ओप्पो की, जिसमें कार्डोस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, उसमें आपको फोन स्टाइल चेंज करने का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। थीम स्टोर है लेकिन उसमें फोन स्टाइल चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि रिसेंटली अक्टूबर मंथ में रियलमी एक्स के लिए जो थीम स्टोर दिया गया है, उसमें आपको मिल जाता है फोन स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन। उसके अलावा और कोई डिवाइस में आपको फोन स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ओप्पो या फिर रियलमी डिवाइस में फोन स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हर कोई अपने फोन में एक फोन स्टाइल से बोर हो जाता है, तो कभी कभी चेंज करना भी जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप अपने फोन में फोन स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से जाके उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है जेड फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट इंस्टॉलर नो रूट। यहाँ पे आपको रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर रूट ही आप यहाँ पे फोन स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा फाइल है, आप देख सकते हैं 6.66 MB का फाइल है ये। इंस्टॉलिंग, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड फॉन्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए आप इसे ओपन कर लेते हैं। अलाउ, ये जो एप्लीकेशन है फ्री का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलेगा, आपको जस्ट बैक करना है या फिर स्किप करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार का ऑप्शन है, म्यांमार के ऊपर आप चले जाइए। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे कोई भी फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 सीरियल नंबर में एक फॉन्ट है, इसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके ऊपर टैप करने से आपको एक ऐड दिखने को मिलेगा, जस्ट आप बैक कर दीजिए, देन यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए इसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। फिर से ऐड, डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा ओप्पो एंड रियलमी, ओके, ओल्ड ओप्पो या फिर न्यू ओप्पो। तो न्यू ओप्पो है क्योंकि न्यू रियलमी का डिवाइस है ये। चलिए न्यू ओप्पो में टैप कर देते हैं। ओके, सेटिंग्स, यहाँ पे आपको अलाउ एप्स फॉर दिस सोर्स, बैक, नाउ इंस्टॉल, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे काम नहीं करने वाला। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसे मिनिमाइज कर देने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है लैंग्वेज एंड रीजियन। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा रीजियन के अंदर म्यांमार, ओके, म्यांमार यहाँ पे चूज हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से बैग में जाना है, देन यहां पे आप चले जाइए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। यहां पे आपको मिलेगा फॉन्ट साइज, उसके बाद डिस्प्ले साइज, उसके बाद सपोर्ट डायल कैरेक्टर्स। ये जो ऑप्शन तभी आपको मिलेगा जब आप यहां पे म्यांमार ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो यहां पे मैं इसे ऑन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे फॉन्ट स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पूरी तरह से सभी जगह चेंज हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे म्यांमार को सेट करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम भी चेंज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, फिर से जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, देन यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सेट डेट एंड टाइम को ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन को चेंज करके कर देना है कोलकाता 5:30 GMT,
उसके बाद आप यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिक सेट टाइम एंड टाइमर कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो चुका है, ऑटोमेटिकली सेट भी हो चुका है। अब आप बैक कर दीजिए बस। और अगर आपको फ़ोन स्टाइल को फिर से वापस ले आना है जो आपके फ़ोन में पहले से ही डिफ़ॉल्ट था, उसके लिए फिर से आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले एंड सेटिंग्स में चले जाइए। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आप सिंपली यहाँ पे सपोर्ट डायल कैरेक्टर को ऑफ कर दीजिए। फिर से जो आपका सिस्टम फ़ॉन्ट था वही यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं जैसा था यहाँ पे फिर से वैसा ही आ चुका है। सो इस तरह से आप अपने फ़ोन में फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर पाएंगे अगर आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है या फिर ओप्पो का कोई भी डिवाइस है। यहाँ पे आपको रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।